नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज। आज देश में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उसमें एक मुद्दा और जुड़ गया है जिसके बारे में आप सब वाकिफ होंगे। एक मूवी आई है जिसका नाम है जवान, जो काफी चर्चा में है। उसमें ऐसा क्या है जो वो इतनी ज्यादा चर्चा में है और लोगों के दिलों पर राज कर रही है? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि इससे पहले पठान आई थी, वो हमने देखी थी, लेकिन उसमें इतना खास मजा नहीं था। वो सिर्फ विवादों के चलते सुपरहिट हो गई थी। लेकिन उसके बाद गदर 2 आई, वो भी अच्छी थी, लेकिन जो जवान मूवी है वो शायद इन दोनों को मिला के भी इतनी अच्छी मूवी नहीं बन सकती जितनी की जवान है। तो आप सबको पता भी है और जानकर हैरानी भी होगी कि जवान बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाई भी कर रही है और लोगों को यह समझ में भी आ रहा है कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि जवान ने पहले 3 दिनों में ही 266 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों में क्रेज है शाहरुख खान के प्रति और जवान मूवी के प्रति। दोस्तों, जब हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो उसको एंटरटेन के जरिए ही देखते हैं कि एंटरटेनिंग होगी बस या कुछ इंटरेस्टिंग होगा उसमें, तो इस तरीके से हम मूवी देखते हैं। लेकिन जवान मूवी उन सबसे अलग है और जिसने भी मूवी देखी है वो समझ गए होंगे कि ये मूवी देखना क्यों जरूरी है। हमने भी ये मूवी देखी है और इसमें कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो कि आज के युवा को समझना चाहिए, देखना चाहिए और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और जो मुद्दे जवान फिल्म में उठाए गए हैं वो आपसे हमसे रिलेटेड है कि किस तरह से हमको अधिकार है वोट का, किस तरह से हमें किस नेता को चुनना चाहिए, किसी भी अनपढ़ नेता को नहीं चुनना चाहिए जिसको कुछ पता ही ना हो, वो सब दिखाया गया, एक्सपोज किया गया उन लोगों को जो देश में जनता का फायदा उठाते हैं गलत तरीके से। किस तरह हमारे देश में शिक्षा होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो सब दिखाया एक फिल्म के जरिए। क्योंकि आपको पता है कि समाज का सबसे बड़ा आईना अगर होता है तो सिनेमा होता है, जिसको लोग बड़े चाव से देखते हैं। और शायद यह फिल्म भी सुपरहिट होने का कारण यह नहीं है कि उसमें शाहरुख खान है, सबसे बड़ा कारण यही है कि वह फिल्म बनाई इतनी अच्छी है क्योंकि उसका डायरेक्टर कौन है, इटली है, जो कि साउथ का सुपरस्टार है। और यही कारण है कि यह फिल्म साउथ में भी काफी अच्छी चल रही है और पहले 3 दिन साउथ में बॉलीवुड किसी भी बॉलीवुड फिल्म में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई है। इसके बड़े कारण है, एक तो डायरेक्टर साउथ वाला है तो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, अच्छी स्टोरी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, वो अच्छी फिल्में बनाते ही है, बॉलीवुड तो बदनाम हो चुका है। लेकिन दूसरी बात, उसमें साउथ की ही एक्ट्रेस है नयनतारा और साउथ का एक एक्टर है विजय सेतुपति, तो शायद ये भी फैक्टर रहा होगा कि जवान मूवी साउथ में भी काफी चली है, हिंदी के अलावा तेलुगु मलयालम में भी काफी कमाई की है। दोस्तों, अगर आप जवान देखने जाते हो तो सिर्फ इसको एक मूवी की तरह समझकर ना देखिएगा, ये आपके दिल और दिमाग को हिला देने वाली है क्योंकि इसमें देश के ऐसे ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नाम शामिल होने से डरते हैं और शाहरुख खान ने इन मुद्दों को उठाने का जो साहस दिखाया है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, वैसे तो कोई भी एक्टर है तो आज के समय में तो खासकर सरकार से सभी डरे हुए हैं कि कोई सरकार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। उसका कारण आपको भी पता, हमको भी पता, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी का मुंह नहीं खोलता। आपको पता मणिपुर में जो होता है उस पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, खिलाड़ी बैठते हैं धरने पर, उनका यौन शोषण होता है, वो भी एक भाजपा सांसद द्वारा, तो किसी का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है, जो शाहरुख खान ने या कहे एटली ने करके दिखाया है और जो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी फिल्म जरूर देखिए। और जो लोग कहते हैं ना कि यह टैक्स फ्री होनी चाहिए, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो देश हित में यह पहली फिल्म है जो वास्तव में टैक्स फ्री होनी चाहिए। लेकिन देश में राजनीति इतनी ज्यादा हावी है कि जो राजनीति के हिसाब से जो सरकारों को लगता है, नेताओं को लगता है कि यह फिल्म हमारे हिसाब की है, हमारा प्रचार होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब भी उसका प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, ऐसी ऐसी फिल्में आई थी जो आपको पता के सच्चाई थोड़ी बहुत हो सकती है उनमें, लेकिन ज्यादातर प्रोपगेंडा था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर उसका प्रमोशन कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि देश की सत्ता किस तरह चल रही है और देश की सरकार क्या चाह रही है। लेकिन वही जवान मूवी की बात करें तो वह इन सबसे हटकर है। आपकी हमारे मुद्दे उठाए गए हैं कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग
आम जनता का खून चूसते हैं, किस तरह उनको बेवकूफ बनाया जाता है, और जब उनसे उन्हीं के महकमे से भी सवाल पूछा जाता है तो वो तक उनको पता नहीं होता, वो खुद कहते कि हम तो अनपढ़ है। तो दोस्तों ये सोचने की बात है, हालांकि इसका विरोध हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ये तो अब क्या हो सकता कारण उसका पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जवान मूवी जिसने भी देखी होगी एक बार दिमाग जरूर हिल जाएगा अगर कोई इंटरेस्ट लेकर देखेगा। और देख ऐसे नहीं देखनी मूवी को कि सिर्फ हम मस्ती मजाक करने आए हैं या मजे करने आए हैं। इस मूवी को देखो ऐसे कि जिस तरह से कोई शिक्षक पढ़ा रहा हो उसकी बातें सुननी जरूरी होती है, ऐसे ही देश की जनता को यह जवान मूवी देखनी जरूरी है और अपने वोट की अहमियत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश में जो मुद्दे हैं उनके लिए हमको आवाज उठानी चाहिए। और शाहरुख खान ने यही दर्शाया कि हर व्यक्ति जवान है, जरूरी नहीं है कि जो आर्मी में है, फौज में, पुलिस में, केवल वही जवान है, देश का हर व्यक्ति जवान है और देश के लिए उसकी अपनी अहमियत है। दोस्तों बाकी अगर आपने देख लिया है तो आपको पसंद जरूर आई होगी, अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि ऐसी जो फिल्में आती है समाज को जागरूक करने वाली उनको ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। आपने देखा होगा 2001 में जो नायक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, वो भी कुछ ऐसी ही थी, ऐसे हालात थे, उनको दर्शा रही थी कि किस तरह से भ्रष्टाचार किस लेवल पर पहुंच जाता है, और जो जवान मूवी है वो भी ऐसी ही है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा अरे ये तो शाहरुख खान है या ये सलमान खान है या ये आमिर खान है या ये कोई और, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये सोचिए कि उस पिक्चर में ऐसा क्या है जो हमें देखना बहुत जरूरी है और जाकर देखिए। और जवान फिल्म में यही बताया गया कि किस तरह से नेता जो वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, किस तरह जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए आने वाला नेता क्या करेगा, ये सवाल जरूर पूछा करें। वो अलग बात है कि आजकल नेताओं से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, पत्रकार है वो तो खुद ही उनके पीछे तलवे चाटते घूम रहे हैं, तो सवाल पूछेगा कौन। तो शाहरुख खान ने यही दर्शाया है कि अगर मीडिया सवाल नहीं पूछती तो आम जनता को सवाल पूछना चाहिए नेताओं से कि आने वाले 5 सालों में वह आपके लिए क्या करेगा, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा, शिक्षा के लिए क्या करेगा। तो ये सब जरूरी मुद्दे हैं जो जवान फिल्म में उठाए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।